चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, हमसे कई सारे जो है हमारे व्यूवर्स ने पूछा है कि लाइव ट्रांसक्राइब होता क्या है और उसका कैसे यूज करना है। हालांकि इसका एक एप्लीकेशन भी होता है प्ले स्टोर में, जिनके पास स्टॉक एंड्रॉयड है उन लोगों के फोन में ये डिफॉल्ट नहीं होता है, लेकिन कस्टम एंड्रॉयड वालों के फोन में जो है ये बाय डिफॉल्ट ये फीचर होता है। जैसे कि अभी मेरे पास सैमसंग M53 5G है, तो ये जो लाइव ट्रांसक्राइब वाला फीचर है ये बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है सेटिंग के अंदर, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी अदर स्मार्टफोन जिनके पास है, उनके पास अगर लाइव ट्रांसक्राइब फीचर अगर डिफॉल्ट में नहीं है तो उनके लिए प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाता है। तो काम दोनों एप्लीकेशन का एकदम सेम है, तो लाइव ट्रांसक्राइब का क्या यूज़ है आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और यहाँ पर जो है, जो लोग लाइव ट्रांसक्राइब के बारे में जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो लोग नहीं जानते एंड तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है आप लोग जरूर वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, शेयरिंग आजकल नहीं हो रही है तो वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग लाइव ट्रांसक्राइब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर जानेंगे। जो लोग जो है सुनाई नहीं दे पाते, मतलब जिनको सही से सुनाई नहीं दे पाता है, उनके लिए ये फीचर होता है खासकर, जो इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल में होता है कि लाइव ट्रांसक्राइब को जब आप ऑन कर देते हो तो आपके सराउंडिंग में जो भी साउंड आता है या फिर कोई कुछ बोल रहा है ना, ये सारी चीज़ों को रिकग्नाइज करेगा और ये आपको बताएगा कि किन किन चीज़ों की आवाज़ आ रही है या फिर कौन क्या कोई कुछ बोल रहा हो तो भी ये बता देता है। ठीक है, अगर किसी ऐसे इंसान को कन्वर्सेशन करनी है जिसे सुनाई नहीं देता है तो वो इस फीचर का यूज़ करके बड़ी ही आसानी से कन्वर्सेशन कर सकता है। अब कैसे वो हम देखेंगे। तो हम हमारे फ़ोन से लाइव ट्रांसक्राइब को ऑन करेंगे सिंपल, और उसमें देखेंगे ये क्या करता है। वैसे ये आपको सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में भी मिल जाता है ऑन करने के लिए, आप इसको शॉर्टकट में भी रख सकते हो और नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको ये मिल जाता है। देखिए यहाँ पर लाइव ट्रांसक्राइब ऑफ है, इसको ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसने बताया बोली को लेख में बदलने के लिए तैयार है। अब ये हमारी आवाज को भी जो है रिकग्नाइज करके बताएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए सुनिए, ये अभी हमने जो बोला यहाँ पर, ये इसने यहाँ पर लिख दिया होगा रिक करके बताएगा कि हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर ये इसने अपनी। तो इस तरह से ये काम करता है, ये जो भी हम बोलेंगे ये वो सामने वाला जो जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वो जो है सुनेगा, मतलब ये जो ऑन फीचर ऑन करेगा, और उससे जो है ये फीचर ऑन करने के बाद तुरंत अगर कोई भी इंसान कुछ बोल रहा है तो ये तुरंत उसको रीड करके बता देगा, या फिर अगर वो किसी टेलीविजन के सामने है तो भी इसको ऑन करके जो है बता देगा कि ये क्या हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। तो ये इसका एक्चुअल यूज़ है। और यही नहीं, अगर आप नेचर साउंड में हो मतलब, तो आपको ये भी बता देगा भाई चिड़िया की आवाज़ आ रही है या फिर एलिफेंट की आवाज़ आ रही है, तो जो भी आवाज़ आती हो, कौवे की आवाज़ आ रही हो, तो मतलब ये बता देगा है ना, जो भी चीज़ें है यहाँ पर बता देगा। और यहाँ पर बस आपको अगर आपको टाइप करना है, ठीक है, आपको लैंग्वेज चेंज करनी है तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। देखिए स्विच लैंग्वेज का बटन मिलता है, अगर आपको इंग्लिश करना है तो इंग्लिश में कर सकते हो। यहाँ पर टाइप बैक, अब टाइप बैक का मतलब ये है कि आपको अगर कुछ बताना है लिख के, अगर किसी को बताना है, मान लीजिए दो लोग हैं ऐसे, दोनों को भी सुनाई नहीं दे रहा है ना, अब दोनों को भी सुनाई नहीं दे रहा है, पर नेचर साउंड अगर वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो इस तरह से जो है बात कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोला हुआ तो यहाँ पे लिखा ही दिया गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको भी कुछ बताना है, सामने वाले को तो सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ से लिख के भी जो है भेज सकता है, या फिर आप बोल भी सकते हो है ना, अगर कोई बोल नहीं पा रहा तो वहाँ पे लिख भी सकता है यहाँ पर चीज़ें है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये लाइव ट्रांसक्राइब फीचर खास करके उनके लिए काम में आता है ज़्यादातर, जो लोग ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं या फिर जो लोग ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये फीचर बहुत अच्छे से काम करता है। और यही नहीं तो आप यहाँ पर सराउंडिंग साउंड भी सुन सकते हो, नेचर साउंड जो आपका अगर कुछ है तो वो भी यहाँ पर आपको आएगा।
सेटिंग में हम लोग जाएंगे, यहाँ पर फॉन्ट साइज आप लोग इंक्रीज कर सकते हो, टेक्स्ट साइज जो है इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर है। आप टेक्स्ट साइज को अगर बढ़ाना चाहते हैं ऐसे बढ़ा सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं है। आवाज को वीडियो है करके बताएगा कि हम क्या बोल रहे थे कि सुनिए पूरा, इसे हमने जो बोला यहाँ पर यह स्नेहा पर लिख दिया होगा, या जो भी हम बोलेंगे यह वे सामने वाला जो जिसको सुनाई नहीं दे रहा है वे सुनेगा, पता ऑफिसर ऑन करेगा और उसे ज्वाइन करने के बाद तुरंत अगर हम फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, हमने सारी चीजें फास्ट फास्ट बोली, इसके लिए वो यहाँ पर मतलब ऐसी टाइपिंग कर रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन अगर कुछ कुछ चीजें बोली जाए तो प्रॉपर तरीके से लिखता है और सामने वाला जो है इस फीचर का यूज कर सकता है। सिंपल टाइप बैक करके आप जो आपको टाइप करना है वो आप टाइप करके सेंड कर सकते हो, तो एक्चुअली इसका यूज है। अब इसको बंद कैसे करना है, सिंपल आप बैक कर दोगे तो ये फीचर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो एक्चुअल ये यूज है लाइव ट्रांसक्राइब का। आप इस फीचर का यूज मतलब अगर टेलीविजन में अगर आपको करना है तो उसमें अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो भी कर सकते हो, या फिर आपको नेचर साउंड के लिए करना है वो भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर ये फीचर जो जिन लोगों को सुनाई नहीं देता या फिर जिन लोगों को बोलने में समस्या है वो लोग अगर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो इस फीचर का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को लाइव ट्रांसक्राइब के बारे में सबको समझ में आ गया होगा, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो को जरूर सभी के साथ शेयर करूंगे, लाइक करके जाना, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग अबाउट पेज में विजिट कर सकते हो। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।